ஜிஎஸ்கே டிவி தா தரமக்கு போறால गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्भो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम श्रीचंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम भस्मामलिप्तम शशिशुभ्रवर्णम पद्मासनस्थम सुखदम यतीन्द्रम वाकाई चित्तई सततम भजेऽहम्। एक बार जबान तो राम कहना मन संकड़े पापा दा नाश होवे, जेड़ी चित चाहे सोई खेलबाजी, हथ गुरु दे नाम दी ताश होवे, मुर्शद नाल मुहब्बत दी तार खड़के, फिर कम की जीव अदास होवे, ए मन विच सतसंग दे रंग ले तू, तेरा अंत बैकुंठ में बास होवे। हाँ सूरदास नू मिले आया के बीच उजाड़ा दे, तेरे ना ते डोरी ला विच बैठा झाड़ा दे, तर पानी ते तरती कैसा जाल बिछाया है, आदि पुरख ने कैसी रति बलक्षण माया है। जड़ जंगम अस्थावर बीज खलारे कुदरत दे, देख जरा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, ओहो किस शक्ति से रोकेंगे चरणों से तुर दीना, तू मेरे खेलने आ रहेंगे पानी बिच खुर दीना। मैं बलहारे बिबू पसार पसारे कुदरत दे, हाँ पसारे कुदरत दे, देख जरा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, ओहो बागां दे विच रंग बरंगे पुष्प सजाउंदी है, बिच फलां दे कैसे रस पर पर दिखलाउंदी है। कहिंदे माटी से गुड़ खंड, ओ माटी से गुड़ खंड बने बलहारे कुदरत दे, देख यारा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, सिर मुख से तंतन काल मकड़ समतन दी ताणी है, अंडज जेरज से तेजुत पुज चारो खानी है। कितने बीज बीज दी बड़े बजारे कुदरत दे, देख यारा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, अग ते बाग लगाउणे दस दी है हलवाइया नो, उन्ना दे विच बेके रचदी है मठियाइया नौ, बिस्कुट पुजिया रचे पतौड़ करारे कुदरत दे, देख जरा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, ते कई पदार्थ बनी वेके ते पिठ कर देने, सुके टुकड़े थ्यौंदे नी कई भुखी मर देने, कई पूम ते सौंदे रचे चबारे कुदरत दे, रचे चबारे कुदरत दे, देख जरा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, इत्थे कई खुशियां बिच आके पौंदे फिर दे पंगड़े ने, कई जवानों तुतले बाहां वड़ियां लंगड़े ने, जंगल दे बिच फिरन भड़क दे मारे कुदरत दे, देख यारा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, ओहो ब्याली लख धरती ते ब्याली लख बिच पानी दे, खान पीन नू दिसदा ना फिर कख विच पानी दे, ओ बंदे है किस जगह न रचे दुआरे कुदरत दे, ना रचे दुआरे कुदरत दे, देख यारा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, ओ किमें कराउंदी वेखे लै किमें कराउंदी लेखे, बैके लिखियां वइयां दे, कहीं रचाई बैठी सिंधु दुद्धा दइयां दे, लीला है बे अंत बनाए खारे कुदरत दे, देख जरा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, ओहो राक्ष बड़े खपाते जिनके रूप भयंकर सी, रावण वर्गे तुरगे जिनके घर विच शंकर सी, हिरणाकश्यप हिरणाक्ष मूरे हारे कुदरत दे जी, मूरे हारे कुदरत दे, देख जरा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे, ओहो पीर पकंबर तुरगे इस दुनिया ते आके ते, लिखन जोग ना बात हटे बुद्धि कवर आके ते, बाबू राम कविशर रंग नियारे कुदरत दे जी, रंग नियारे कुदरत दे, देख जरा इंसान अचरज नजारे कुदरत दे। परम सत्कार योग साध संग जी, अज आप जी दे सन्मुख संत रामेश्वर मुनि अते पंडित बाबू राम खानपुर वाले सिद्ध श्री मान 108 बाबा बिशनगिर जी महाराज, उन्हां दी जीवनी अते उन्हां दे कीते हुए अलौकिक चमत्कारां नूं कविशरी द्वारा संगतां दे सामने पेश करन जा रहे हन। उस तो पहला लगाओ हाजरियां, करो रसना नूं पवित्र, गज के आखो
सिद्ध बाबा विष्णगिरी जी महाराज की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, महाराज फरमाउंदे हन कि जननी जने ता भगत जन, चाहे दाता चाहे सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। मानव जाति नू परमात्मा ने फुल अख्तियार दे के एक अणमुला हीरा इस मृत लोक ते भेजे अपना रूप बना के। सो नीति वाला कहिंदा है कि माता नू ऐसे पुत्र नू जन्म देना चाहिए है। तीन दर्जे है, तीन स्टेजा है बंदा दियाँ, चाहे तो फिर भगत होवे, चाहे सूरवीर होवे, चाहे फिर दानी होवे। इन्हां तिन्ना दर्जा दे विच्चों एक दे विच परिपक्व होना चाहिए इंसान नू, ये नीति कहिंदी है। महाराज कहिंदे कि संत राम में भेद ना कोई, संत राम है एको, संत की महिमा वेद ना जाने। अर्थात महात्मा का भेद वेद शास्त्रां ने नहीं पाया। लो जी, भगतां दी जमात दे विच्चों बाबा विष्णगिरी जी का बहुत उच्चा दर्जा है। इन्हां दी निर्माण स्थली अर्थात इन्हां दी जो समाधि है वह पिंड झाड़ों विखे है, जो पंजाब है। ये ऋषियां मुनिया पीरां फकीरां दी धरती है, बड़े बड़े सिद्ध महापुरश इत्थे हो चुके हैं। इस तरह ही लगभग 200-250 साल पहला पिंड हीरों दे विच ब्राह्मण कुल दे विच जन्म होया बाबा विष्णगिरी जी का। ये चार भाई सी, इन्हों के जो पिता सन वो अच्छे विद्वान और ज्योतिष के पूर्ण धनी सी। उन्होंने बच्चे का जो नूरी मस्तक देखा, भगवान का शुक्र गुजार किया कि यह भगवान के दर तो कोई कारक पुरश साड़ी कुल का सुधार करने वास्ते आया है। लो जी, इधर हुण बच्चों के नाल बचपन तो खेड़ते खेड़ते बाबा जी की 5-7 साल की आजु होगी। किते गौं चराउण चले जाते, जंगल दे विच समाधि में तत्लीन हो जाते, परमात्मा का सिमरन करन लग जाते। कुछ दिन बीतते हैं, फिर दी किते साधुओं की जमात उस नगर दे विच आ जाती है। महात्मा ने रमणीक जगह देख के चतुर्मासा कट्टण का विचार बनाया मन दे विच। महात्मा उस जगह पर चतुर्मासा कट्टण लग गए, संगतां आउण लग गईयां सेवा कर दियां, जिन्हां दे विच बाबा विष्णगिरी भी वो महात्मा की सेवा लग गए करन। गऊआं चराउण जांदे, महात्मा की सेवा करदे। वह महात्मा की जमात दे विच्चों एक श्रोमणी महात्मा सी नागा बाबा। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दित्ती, बाबा विष्णगिरी जी उन्हां तों दीक्षा लैके महात्मा दे समाज में प्रवेश हो गए, संन्यास आश्रम नूं ग्रहण कर लिया। संत की सेवा बड़भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है। इह शब्दां नूं मनदे होए बाबा जी साधुआं दी सेवा दे विच तत्लीन हो गए। कुछ चिर सेवा करदे करदे महात्मा चतुर्मासा कट्टण तों बाद तीर्थां दी यात्रा करन दे वास्ते चले जांदे ने। स्वामी जी बचपन तो ही बच्चों के नाल खेडते और गऊं चारण जाते, आए गए साधुओं की सेवा करते करते पूर्ण रूप दे विच संत बन जाते हैं। विद्या विनय सपन्ने च ब्रह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव स्वय पाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान गीता दे विच फरमाउंदे है कि उन्होंने किस मंजिल नूं पाया, विद्वान दे विच, ब्राह्मण दे विच, गऊ दे विच, हाथी दे विच, कुत्ते दे विच, चंडाल दे विच, समदृष्टि भाव जो हो जाए वह हुंदा है ब्रह्म ज्ञानी। उस ब्रह्म ज्ञानी का नगमा संत रामेश्वर मुनि और पंडित बाबू राम जी कोरड़े छंद द्वारा संगतां दे सामने पेश कर रहे हैं कि स्वामी विष्णगिरी जी चोटी दे पखीर सी, दसी भला कैसे पखीर सी। ओ काफ काफरा कदर ना पई तेनू, जिसम जान लै दमां दी हटड़ीए, अगे देवना पऊगा ठीक लेखा, धर्म राज दे हथ विच तकड़ीए। पुन पाप तेरा कंडे तुल जाना, सच्ची जान लै दिलां दी बटड़ीए। मैर मशान आबेदा नू खबर कोई, ओ जिथे मंजिल फकीरां दी अपड़ीए, जिथे मंजिल फकीरां दी अपड़ीए।
बंदना तो सानू जग तो नारेया जग तो नारेया ऋषि कोल विच सी जन्म तारेया हां जन्म तारेया सुंदर स्वरूप बालका गंभीर सी बालका गंभीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी चोटी दे फकीर सी ओ दस दे है जो सी महान हस्ती है महान हस्ती तेरे उत्ते रहिंदी सी रूहानी मस्ती हां रूहानी मस्ती द्वैत भावना दे तोड़ते जंजीर सी उड़ते जंजीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी चोटी दे फकीर सी ओह मिलदा प्यारा कर बर्बादी नू कर बर्बादी नू रूही विच जाके लाम दे समाधी नू लाम दे समाधी नू जपी तपी हथी धार्मी शरीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी चोटी दे फकीर सी इंदा बचपन विच लीला सीने आ रिया लीला सीने आ रिया देव लोक विच खुशियां सी पारियां खुशियां सी पारियां सिद्धां दे वी सिद्ध ते पीरां दे पीर सी ओ पीरां दे पीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी चोटी दे फकीर सी उत्थे रोही बिया बाण चल ते उजाड़ सी जंगलां दे विच बुक दे वग्याड़ सी बुक दे वग्याड़ सी पहलां इत्थे खड़े जंड ते करीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी चोटी दे फकीर सी सुपने समान पासदा है जग जी पासदा है जग जी ओ फकरां दी हुंदी दुनिया अलग जी दुनिया अलग जी ओ मस्त दीवाने ऐसे बानवीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी चोटी दे फकीर सी भगती दा ऐसा चढ़िया सरूर है चढ़िया सरूर है तेरे उत्ते चल के अलाही नूर है हां अलाही नूर है ओना दे शब्द पत्थर लकीर सी पत्थर लकीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी अब्बल फकीर सी सुपने समान जान सैन सारनो ओ जान सैन सारनो बाण गे सी साधु छड सैन सारनो छड परिवार नो उत्तर दिशा नु कत गे बहीर सी विशन गिरी जी चोटी दे फकीर सी चोटी दे फकीर सी चरनी गुरा दे सीस नु चुका ले तू सीस नु चुका ले तू बाबू रामा फकरां दा जश गा ले तू फिर जश सच जानो बाक मुनी दे अखीर सी मुनी दे अखीर सी विशन गिरी दी चोटी दे फकीर सी भगती दा ऐसा चढ़िया सरूर जी चेहरे उत्ते झलके इलाही नूर जी उन्हां दे शब्द पत्थर लकीर सी विशन गिरी दी चोटी दे फकीर सी महाराज कहिंदे आ कि संत बचन अटलादा पूर्ण योगी बन गए बाबा विशन गिरी जी हुण इधरले पासे साध संगत जी कुछ समय तो बाद फिर दी तुरदी साधुआं दी जमात पिंड हीरों विच फिर आ गई कुछ चिर रहे महात्मा उत्थे और बाबा विशन गिरी जी भी साधुआं दी सेवा लागे करन महात्मा दा विचार बनिया तीर्थ यात्रा दे वास्ते तां ऐद की बाबा जी कहण लगे कि स्वामी जी मैं आप जी दे साथ जाऊंगा महात्मा दे संग तीर्थां धामां दी यात्रा नूं तैयार हो गए बद्री केदार गंगनाथ गंगोत्री जमनोत्री प्रयागराज काशी पुष्कर इत्यादि तीर्थां धामां दी यात्रा करदे करदे महात्मा कित्थे पहुँचदे है बांस बरेली बाहर एकांत जी जगह देख के नदी दे किनारे ते धूने रमा लैंदे है कुछ दिन उत्थे विश्राम करन तों बाद महात्मा दी जमात अगे तीर्थां दी यात्रा नूं चाले पाउंदी है तां स्वामी विशन गिरी जी कहण लगे कि स्वामी जी मैं तां कुछ चिर इत्थे रह के अपनी साधना करूँगा महात्मा चले जांदे है और स्वामी जी इह संसार नूं इक मिथ्या समझदे होए ब्रह्म नूं सत समझदे होए भगवान दी समाधि में और अपनी योग साधना दे विच लीन हुंदे है कि छोड़ दिंदे है फकर झूठा जान जवाने नूं उह समें दी कविता पंडित बाबू राम जी पेश करदे है दसी भला की कहिंदे ओ परख पछाण जना नूं पूरी कीमत पाउंदे ने पाक मोहब्बत वाले बंदे सुरग दिखाउंदे ने संत राम दा रूप है चारे वेद पकारन जी ऋषि मुनि सब आउंदे है दुनिया को तारन जी ओ सब जग मिथिया जान के पालिया पग में बाने नूं
छोड़ दिंदे है फकर झूठा जान जमाने नू ओ धरती बन दी अंबर जिथे चरण टका दिंदे पुल जीवा ताई सिद्धे मार्ग पा दिंदे कहंदे ना गर्मी ना सर्दी रहंदी दिली दबाने नू छोड़ दिंदे है फकर झूठा जान जमाने नू ओहो तोड़ जगत दे बंधन फकर रहन नारे है होके मस्त दवाने लेंदे नूर नजारे है ओ दर दर अलख जगाउंदे है दिल भर दे पाने नू छोड़ दिंदे है फकर झूठा जान जमाने नू कहंदा जाउंदे ही मर जाना ओ मंजल कठन बड़ी पौनी बीत गई जो बाजी मुड़के हाथ नहीं आउनी ਸ਼ਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇ ਹੈ ਮੇਣਾ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਧੂ ਕਿਧਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕੁਦਰਤ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਚਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਤਰਫ ਤਿਆਰ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਓਹ ਬਦਰੀਨਾਥ ਬਦਰੀਨਾਥ ਕਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਚਾਰੇ ਧਾਮਾਂ ਵਿਰਜ ਭੂਮਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਚਕਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮਾ ਨੂੰ ਭਿੰਦਰਾ ਬਨ ਨੰਦਗਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਬਰਸਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਪਾਲੀ ਫੱਕਰ ਨੇ ਜਗਾ ਦੇਖ ਰਮਣੀ ਕਿਤੇ ਤੂਣੀ ਲਾਲੀ ਫੱਕਰ ਨੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਬਣਾਤਾ ਬੇਸ਼ਨ ਗਿਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਮੁੜਕੇ ਨੀ ਥਿਉਣਾ ਬਿਨਾ ਪਰਖ ਤੋਂ ਐ ਗਾਫਲ ਮਨ ਪੈ ਜੂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਪੂਰਾ ਤੇਰੇ ਹਰ ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਜਾਤ ਬਹੰਗਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੇ ਨੇ ਬਾਂਸ ਵਰੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਕਈ ਚਮਾਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗਾਦੂ ਫੱਕਰ ਦੇ ਅਪਸਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਪਾਲੀ ਫੱਕਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਮਣੀ ਕਿਤੇ ਤੂਣੀ ਲਾਲੀ ਫੱਕਰ ਨੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਬਣਾਤਾ ਵਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫੱਕਰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਨੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਸ਼ਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਲੋਚੇ ਦੇਵ ਇਹ ਦੇਹੀ ਭੱਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਨੀ ਜਨ ਭੂਮੀ ਚ ਸਵਰਗ ਆਦਿ ਅਭਿਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜਨਨੀ ਔਰ ਜਨ ਭੂਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੱਜਣੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਈ ਕਿ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਤਾ ਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਤਾ ਧੂਣੀ ਲਾ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਪਾਸ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਹੋਏ ਸੰਗਾ ਮਹਾਤ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ
संत रामेश्वर मुनि जी शाजली वाले और पंडित बाबू राम जी खानपुर वाले अपनी आवाज दे विच दसदे कि साधुआं दा संग होवे भागा नाल जी दसी भला किवें दसदे काफ कचिए देहिए बिन सजेंगी ते कदे अग दी करन खुराक तेनू चुक जावेंगी कीमतां पूरियां नू जदों मुक जू किसे दी चाक तेनू बन जा पीलनी साहब दी याद अंदर नजर गुरां दी करूगी पाक तेनू हो नक रगड़ लै मुनी दे द्वार उते फिर सुनूगी साहब दी हाक तेनू हो प्रेम बिच आना पैंदा है गोपाल नू हो प्रेम बिच आना पैंदा है गोपाल नू ओ ताही तन्ने जट दे तू तन्ने जट दे चरा गया माल नू कई साल उथे करके ते पसिया कई साल उथे करके ते पसिया दिल दा जो भेदना जी भेदना किसे नू दसिया चित बिच बैठियां दे आया ख्याल जी ओ चित बिच बैठियां दे आया ख्याल जी ओ साधुआं दा संग होंदा हां जी संग हुंदा भागा नाल जी नहीं हुंदा लिखा जी विरहा भोग है जिमें हुंदार लिखा जी बिरहा भोग है जिथे जिथे डाडे ने जी डाडे ने खंडाई चोग है बीजी दा विधान सक दे ना टाल जी ओ बीजी दा विधान सक दे ना टाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा वेखो संग हुंदा पागा नाल जी एक रूप जानो संत परमात्मा एक रूप जानो संत परमात्मा बड़े पुन्ना नाल मिल दे हां जी मिल दे महात्मा कट देंदे साधु दुखां दे जंजाल जी ओ कट देन साधु दुखां दे जंजाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा कहंदे संग हुंदे पागा नाल जी कुदरत कराउंदी जोगियां दे मेल नो कुदरत कराउंदी जोगियां दे मेल नो ऋषि मुनि जान दे जान दे लाही खेल नो ओहो रहंदा लिखता जो पाल जी ओहो के ओही रहंदा लिखिया जो पाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा हां जी संग हुंदा भागा नाल जी कहंदा प्रेम दा प्याला गोरा ने पलाया है प्रेम दा प्याला गोरा ने पलाया है ओ चित विच बैठियां दे बैठां दे ख्याल आया है दिल्ली कश्मीर देख ली बंगाल जी ओ दिल्ली कश्मीर वेख ली बंगाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा हां जी संग हुंदा भागा नाल जी कहिंदा जिथे साधु बहिंदे लाके ते समाधियां जिथे साधु बहिंदे लाके ते समाधियां ओ दारे शकर तो मिटण मिटण वे आदियां किवें हुण मेल मेलू नंद लाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा हां जी संग हुंदा पागा नाल जी जेड़े परवाने सी अलाही जोत दे जेड़े परवाने सी अलाही जोत दे ओ पीर नू मरीद मिल गए उथे मिले सिद्धू गोत दे मानू जी में लब गए गोपाल जी ओ पंडो मानू जी में मिल गए गोपाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा हां जी संग हुंदा पागा नाल जी असी हां सवाली स्वामी थोड़े दारी दे असी हां सवाली स्वामी थोड़े दारे दे ओ चार हना च पैके सारे ता सारे फर यादा कर दे गड्डियां दे उत्ते लद लिया सी माल जी ओ गड्डियां दे बिच लद लिया सी माल जी ओ साधुआं दा संग होंदा वेखो संग हुंदा पागा नाल जी कहे नहीं जांदे तुसां दे चरित्र
कहे नहीं जांदे तुसां दे चरित्र थोड़े नाल पिंड हो जूगा पिंड हो जूगा पवित्र बन सारे कर दे सुभाल जी ओ हथ बन सारे कर दे सुभाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा देखो संग होंदा पागा नाल जी चंगा सेवकां दी जदों सुन ली पुकार जी सेवकां दी जदों सुन ली पुकार जी ओ विशन गई जी हो गए ने उत्थों हो गए ने तैयार जी मुनी बाबा दसू अगे दा हवाल जी ओ मुनी बाबा दसू अगे दा हवाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा हां जी संग होंदा पगा नाल जी ओ साधुआं दा संग होंदा साधु बहिंदे ला के ते समाधियां दर्शन कर दर्श करे तो मिटन व्याधियां किवें हुण मेल मेलू नंद लाल जी साधुआं दा संग होवे भागां नाल जी महात्मा दा जो संग हुंदा है वह भागां दे नाल हुंदा है जिथे महात्मा जन ताड़ियां ला के समाधियां ला के बह जान जिथे बैठे संत जन सो थान सुहंदा राम राज वह धरती पवित्र हो जाती है। बई सज्जनों वह सिद्धू गोत दे लोग जाके बाबा जी दे चरणां च फरियादां करदे कि प्रभु साडे नाल साडे पिंड दे विच चलो साडा धाम पवित्र होजू साडा गांव पवित्र होजू। प्रेम अगे नेम नहीं भगतां दी फरियाद सुन के बाबा जी उस संगत दे नाल जाण दे वास्ते हीरो नगर नूं तैयार हुंदे है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो बाबा जी दे नाल उस संगत जांदी है ते एकांत दे विच जाके एक परमात्मा दी वंदगी करदे दसी भला किवें करदे है। जो पत्थर ते पाई जावे मिटदी नहीं लकीर कदे चुकदे नहीं हकूमत अगे आशक मर्द फकीर कदे संगतां दी सुन के अरजोई हो गए त्यार सी जाने नो मेल मलाउंदा किवें बदाता छेड़ी जरा तराने नो हथ जोड़ के करन फरियादां चरनी सीस नमाउंदे ने जिन प्रेम कियो तिन ही प्रब पायो वेद पुराण बताउंदे ने वेदां तो भी कहे न जंदे ऐसे पाक चरित्र है जिथे चरण हतम रख दे हो जे तरा पवित्र है जोगां पवित्र साडा मुख चंगो फरमाउंदे ने प्रेम कियो तिन ही प्रब पायो वेद पुराण बताउंदे ने संत आउन पर मार्थ कारण दिल विच लगे सोचण जी दर्शन थोड़े करन वास्ते तरस रहे सी लोचण जी ओ नाल संगत बिशन गिरी जी ओथो चाले पौंदे ने प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो वेद पुराण बताउंदे ने एक रूप दा सभी पसारा जो दुनिया दा मालक है निर्गुण तो किते सरगुण होके आपे बने संचालक है देके ज्ञान ब्रह्म दा सतगुर संगत नू समझाउंदे ने प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो वेद पुराण बताउंदे ने कठन पखीरा वाली पैदल सफर हमाले दा नाम कुमारी पी के कर दे दर्शन नूर निराले दा साधु तरबर नदी मेघ जो परहित जल बरसाउंदे ने प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो वेद पुराण बताउंदे ने ओ बिशन गिरी जी आखण लगे अगे ना हुण जावांगे साधु रहिंदे विच जंगली इत्थे डेरे लावांगे जगा देख रमणीक संत जी मन विच खुशी मनाउंदे ने प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो वेद पुराण बताउंदे ने मेहरबान जद हो जे फकर जीवन सफल बना दिंदे क्रोध दृष्टि नाल किते कर कुल दा जमा फणा दिंदे देख के चार हजार रोही दे चारो नगर बसाउंदे ने प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो वेद पुराण बताउंदे ने ओ बचन मन के बशन विशन गिरी दा चरनी सीस चकाउण लगे ये छोड़ देंगे दुनिया सारी मुख चो फरमाउन लगे अगे दा जो हाल मुनि जी सारा खोल सुनाउंदे ने प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो फिर पुराण बताउंदे ने
प्रेम कियो ते नहीं प्रव पायो वेद पुराण बताउंदे। महात्मा दा जिहड़ा जीवन हुंदा है ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵੰਤੀ ਨਦਿਆ ਸਵਮੇਵਨ ਅੰਬੈ ਸਵਯਮ ਨਾ ਖਾਦਾਂਤੀ ਫਲਾਨੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾ ਧਾਰਾ ਤਰੋ ਵਰਸਤੀ ਨਾ ਆਤਮਹਿਤੋ ਪਰੋਪਕਾਰਾ ਹੈ ਸਤਾਮ ਬਹੂਤਿਆ। ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਹੀ ਦੀ ਅਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਢਾਪ ਦੇਖੀ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਗਾਮ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਗੋਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਛੰਨਾ ਪਾ ਕੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋੜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਉਹ ਮੋੜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਆ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਬੜ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਨੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਕਰਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਈ ਪਲੀਤੀ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਜੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਫੇਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਫੇਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਓ ਚੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਤਿਆਰ ਦੇ ਜੀ, ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਾਲ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਟਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਮੋੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਬੰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੋੜੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਰ ਦੇ ਦੀ, ਜੜ ਲੱਗ ਗਈ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਗਿੜੇ ਖਿੜੇ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਗਲ ਜਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਪਕੜ ਚਰਨ ਡੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਚਾੜੋਂਗਾ ਮਸਾਲਿਆ ਛਾੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਬਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਜੀ ਓਏ ਬਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਜੀ, ਕੌਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਫਿਰਦੇ ਬਣੀ ਮੇ ਸੁਰਬੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਓਮ ਸੋਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਓ ਚਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿਤੇ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੀ, ਮੁਨੀ ਪਕੜ ਲੈ ਚਰਨ ਮੋਰਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੁਨੀ ਪਕੜ ਲੈ ਚਰਨ ਮੋਰਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਮੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਦੇਖੋ ਮੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੋੜੀ ਦੀਆਂ ਸੱਜਣੋ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਕੱਢਿਆਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੋਂ ਗਾਮ ਵਸਾ ਲਿਆ ਝਾੜੀਆਂ ਮੇ, ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਬਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਜੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਫਿਰਦੇ ਬਣੀ ਮੇ ਸੁਰਬੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਸ਼ ਫੈਲੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਵੀਰ, ਦਾਨੀ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਵਿਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਰੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਕੋਲੜੇ ਛੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚਰਾਉਂਦੇ। ਓ ਪੀਰ ਓਲੀਏ ਬਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਕੀ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿੱਤ ਬਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕੀ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵੇ, ਐਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਬੰਧਨ ਜਾਗਤ ਜੰਝਾਲ ਦਾ, ਕੱਟਦੇ ਬੰਧਨ ਜਾਗਤ ਜੰਝਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਰਜਨ ਜਾਪ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ, ਕਰ ਦੇ ਰਜਨ ਜਾਪ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਤੇਨ ਭੰਗ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਭੰਗ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਉਹ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਣ ਫਸਲਾਂ, ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਣ ਫਸਲਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿੰਬਾ ਤੇ ਪਿਆਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿੰਬਾ ਤੇ ਪਿਆਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਸੂਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਸੂਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਮਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਮਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਮਨ ਦੀ ਨਾ ਲੀਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਮਨ ਦੀ ਨਾ ਲੀਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਕਲ ਚ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਦੇ ਮਰਾਈ ਹੈ, ਗੋਕਲ ਚ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਦੇ ਮਰਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵਾਂਗ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਪਲਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਂਗ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਪਲਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣੀ ਸੋਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣੋ ਸੋਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਗ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਤ ਜੋ ਕਪਾਰ ਜੱਗ ਹੈ, ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਤ ਜੋ ਕਪਾਰ ਜੱਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਊਆਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜਵਾਰ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਬਗੈਰ ਨਾ ਮੜਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਗੈਰ ਨਾ ਮੜਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਾਉਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਦੇਖਦਾ ਫਸਲ ਚੱਟੀ ਪਈ,
आके जट देखदा फसल चट्टी पई ओथे खुरा नाल आत्म्या जमीन पट्टी पई खोरा नाल आत्म्या जमीन पट्टी पई लग पिया सी मास्ता डराउण गऊआं नू ओ लग पिया सी मास्ता डराउण गऊआं नू ओ तां रोही विच जांदे ने चराउण गऊआं नू रोही विच जांदे ने चराउण गऊआं नू सुरती सुआमी नालों तोड़दे नहीं जांदियां जिधरे अगों मोड़दे नहीं जांदियां जिधरे अगों मोड़दे नहीं हुण गऊआं दी सेवा करदे ऐ चराउंदे फिरदे ऐ अगे अगे गऊआं जांदियां ते पिछे पिछे बाबा विशनगिरी जी जांदे ऐ इत्थे इक लीला हुंदी ऐ पास में सी पिंड इक शाहपुर ओह गऊआं चरदियां चरदियां किते शाहपुर दी जूह दे विच पहुंच जांदियां उत्थे पिंड दे विच इक साधुआं दा दोखी बड़ा हंकारी दुष्ट विरती दा नंबरदार रहिंदा सी गऊआं दा किते जाके उहदी ज्वार दे विच उहदी चरी दे विच वड़ जांदियां हुण आके जट देखदा फसल चट्टी पई खुरा नाल आत्म्या जमीन पट्टी पई लग पिया सी मस्ता डराउण गऊआं नूं रोही विच जांदे है चराउण गऊआं नूं ओह जिमीदार दी जो ज्वार हुंदी है चरी उस नूं गऊआं खा जांदियां ते जिमीदार ओह बड़ा क्रोध हुंदा नंबरदार एक पिंड दे विच आके इकट्ठ कर लैंदा सारी पंचायत नूं सारे नगर नूं आके कहिंदा थोड़े वावे ने तां साडी चरी सी जिहड़ी ओह गऊआं तों खवाती कुछ अपशब्द बड़े कौड़े विख वर्गे शब्द बाबा जी नूं बोलदा है पंचायत जाके ओह नंबरदार दे नाल खेतां दे विच जांदी है जाके देखदी है इत्थे लीला गुरु नानक देव जी ने जिवें ओह चरी दुबारा हरी करती सी जदों ओह पंचायत ते नंबरदार जा के देखदा है तां अगे चरी खांदी है हलारे जट दी उस समय दी कविता नूं संत रामेश्वर मुनि और बाबू राम जी संगतां दे अगे पेश करदे है छंद दी टेक है कि अगे चरी खांदी है हलारे जट दी दसी भला किवें खांदी हो काफ काफरा कदर ना पवे तेरी तू बेकदरिया नाल लगाई जाने मन बिच बकारा दी कंध कड्डे हीरा मानस जन्म गवाई जाने हो तेरे कोल अनमुल्ले लाल लखा पागल कौडियां नाल बटाई जाने मुनि आख दे यार ना बने कोई तू एवें कूड़ दे यार बनाई जाने एवें कूड़ दे यार बनाई जाने ओ कहिंदे प्रेम विच आउणा पैंदा है गोपाल नूं ताही तन्ने जट दे चढ़ा गया माल नूं मत मारी गई कर दा हंकार जी पिंड विच आ गया नंबरदार जी एने बुद्धि हलेगी हंकारे जट दी अगे ज्वार खांदी है हो लारे जट दी आई ना समझ करमा दे मारे नूं कर लियां कठिया पिंड सारे नती बेपरीत सी नकारे जट दी अगे ज्वार खांदी सी हो लारे जट दी सारिया ने जद सुने ली शिकायत है खेतां विच जाके वेख दी पंचायत है जाम दीना पेश है बेचारे जट दी अगे ज्वार खांदी सी हो लारे जट दी ना देखो किते मैनू दे दो ना सराफ जी पुल चुक मेरी कर दे माफ जी पहुंच गई है गल द्वारे द्वारे जट दी अगे ज्वार खांदी है हो लारे जट दी चरना ते शीस नू चकाउण लग पए पुल चुक माफ कर बाउण लग पए जे हो आत्मा पुकारे जट दी अगे ज्वार खांदी सी हो लारे जट दी दंदा तू अतीत शोक ना हर शहै जिमीदार उत्ते आ गया तारे करन लगे सारे जट दी लगे सारे जट दी अगे ज्वार खांदी सी हो लारे जट दी जगे उत्ते से बेरेले महात्मा तरमी पुरश बड़े तरमात्मा पंडी होगी बिच भाईचारे ज
जट दी अगे जवार खांदी सी हो लारे जट दी उत्थे विशन गिरी जी कर दे विचार नूं ए कर दे विचार नूं छड़ना पऊगा ये संसार नूं इत्थे मूं नी गाउंदा लीला बले हारे जट दी ओ बले हारे जट दी अगे जवार खांदी ऐ हलारे जट दी अगे जाके हरी भरी चरी देख के जिमीदार और नंबरदार की नीवी पै जाती है शर्म का मारिया बाबा जी के चरणा ते फरियादा करदा है भुल चुक माफ करवाउण लग पे जय हो आत्मा पुकारे जट दी अगे चरी खांदी है हलारे जट दी जग उत्ते ऐसे विरले महात्मा धर्मी पुरश बड़े धर्मात्मा सारे भंडी होगी लेकिन बाबा जी के मन दे विच विचार आई कि मना विष्णगिरी जी करदे विचार नू छड़ना पऊगा इस संसार नू मुनि गाउंदा लीला विरहारे जट दी अगे जवार खांदी है हलारे जट दी हुण महाराज कहिंदे है कि पहला मरण कबूल कर जीवन की छड आस होए सभना की रेणका तो आओ हमारे पास संगत इकट्ठी कर ली उस दिन ऐतवार दा दिन सीगा आके समाधि पट ली समाधि पट्टण तो बाद वह भैरवनाथ कुत्ते नूं हुक्म दिता भी फकरा साडा अन्न जल हो गया पूरा असी अपने धाम नूं जा रहे हैं अगर तेरी इच्छा है तेरी विचार है तो साडे नाल चल भी सज्जनो वह कुत्ते ने परकर्मा कीतियां तीन बाबा जी दियां परकर्मा करन तो बाद नमस्कार करके चरणा ते जाके समाधि दे विच उसने अपना शरीर पूरा करता हुण इधरले पासे बाबा जी अपनी समाधि पटाउंदे है ते समाधि दे विच लीन होंदे है परमात्मा दे विच उहदी ज्योति दे विच लीन होंदे है ते संगत दे नेत्रां दे विचों आंसुआं दी झड़ी वहिंदी है दसी भला की कहिंदे है पिछना वे तू किधरों आया ओ तयान जगाइया सैया नंगे पिंडे तू साडे मारे शमका असी ओ भी तेरिया सैया गोकल छड पिंदरावन फिरदा हो तेरिया मगरे दसा पईया हुण जा कृष्णा तू खरे अपने नू ओ असी आप कृष्ण बन रहीया असी आप कृष्ण बन रहीया हथ का सफर के दे करना पैंदा कोई बहाना सतगुरु दे प्यारे नू दुनिया कहंदी मास्टर दीवाना होगा नगम दिल वरदा फकर रहिंदे मस्त दीवाने ए रीत हकीकी है पुज दे शमान दे इक परवाने जो मंजिल फकीरां दी पैंदा बिना मौत तो मरना सतगुर दे प्यारियां नू औखा बड़ा बछोड़ा जरना खातर लई मरम दी पैंदा है सूली ते चढ़ना लग मगर बलोचां दे पै जा सी सस्सी नू सड़ना प्यारे दे मिलने नू प्यारे दे मिलने नू पैंदा कच्चे कड़े ते तरना सतगुर दे प्यारिया नू औखा बड़ा बिछोड़ा जरना फकरां दी दुनिया ता हुंदी इस दुनिया तो न्यारी ओ तत्लीन समाधि में लगे करन तैयारी अरबू दे प्यारे नू हुंदा जमा मौत दा डरना सतगुर दे प्यारे नू औखा देख बछोड़ा जरना मिल मेहले प्रीतम दे पहला पैंदे तन चरवाने लग मगर सलेटी दे पैगे टिले कन पड़वाने मुर्शद नू मिलन लई पैंदा सीस तली दे तरना सतगुर दे प्यारे नू मुश्किल बड़ा बछोड़ा जरना छड रंगली दुनिया नो एक दिन तुर सारिया ने जाना ओ लै गए समाधि सी दिल विच मन ईश्वर दा पाणा कन्नी मुंदरा पाके दे पैंदा पेख फकीरी करना सतगुर दे प्यारिया नू औखा बड़ा बछोड़ा जरना पहला विष्णगिरी जी तो
भैरोनाथ ने लई समाधि दर्शन कर मिट जांदी अंदरों यादी यते व्यादी बने मुसाफर है इथे सदा किसे रा करना सतगुर दे प्यारां नूं औखा बड़ा बछोड़ा जरना किन्ने जग जाउंदे ने दाता भगत सूरमा दानिया पिछों लगदे ने लेंगे पल्ला कर दे जो करवानिया गिरदा जल नैणा जो गिरदा जल नैणा जो जैसे बगे पहाड़ी चरना सतगुर दे प्यारां नूं औखा बड़ा बछोड़ा जरना ओ जश गल संतां दा जेड़े पव जेलो पार लंघाउंदे आ भुले होए जीवानो धर्म दा मार्ग जो दिखलाउंदे आ जिती होई बाजी नूं ऐ मन गाफल जाई हरना सतगुर दे प्यारां नूं औखा बड़ा बछोड़ा जरना लग चरनी संतां दे जेड़े चारे पदार्थ पाउने ओ मज तार छोड़ तुर गए पल्ले पाए गए ने पछताउने मुनि गाउंदे रंग तुम्हें बाबू राम कबीर चरना सतगुर दे प्यारा नो औखा बड़ा बछोड़ा जरना ओ सतगुर दे प्यारा नो औखा बड़ा बछोड़ा जरना किन्ने जग ज्यौंदे ने दाता भगत सूरमा दानी पिछों लगते मेले है पहला कर दे जो कुरबानी जश गाल है संतां दा जेकर चार पदार्थ पाउने महाराज कहिंदा है चार पदार्थ जे को मांगे संत जना की सेवा लागे चार पदार्थ केड़े है धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐ जीव जे तेनू इन्हां दी इच्छा प्राप्त करन दी तां साधुआं दी शरण दे विच जा उत्थे तेनूं ये पदार्थां दी प्राप्ति होजू हुण सज्जनो संगतां दे नेत्रां दे विच आंसू वहिंदे है ते बाबा बिशनगिरी जी ने पिंड झाड़ों दे विच समाधि ले ली परमात्मा दी ज्योति दे विच अपनी ज्योत मिला ली ज्यों जल में जल होए खटाना जिस तरह जल दे विच जल मिला दिए ज्योति दे विच ज्योति मिला दिए इसे तरह अपनी आत्मा नूं परमात्मा दे विच मिला के ते चले जांदे है और संगतां दे नेत्रां दे विचों आंसुआं दी झड़ी वहिंदी है वरदान दे गए कि जो इंसान ऐतवार वाले दिन इत्थे किसे प्रकार दी कोई सुख सुखेगा उदियां सुखां पूरियां होणगियां भी सज्जनो ओ जगह अज मौजूद है बड़ी विलक्षण समाधि बड़ी है अजूबा एक अपने आप दे विच उत्थे बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले सेवा करदे रहे है पहले ब्राह्मणा ने कुछ चिर ये समाधि सेवा कीती उस तों बाद बाबा जगदास जी बाबा रामदास जी बाबा जोगिंद्रदास जी बाबा कुंभदास जी अते हुण बाबा राम मुनि जी चेला बाबा गोविंद दास जी इस समाज की सेवा निभा रहे हैं इन्हां दी मेहनत दे सदका और पिंड वासियां दे सहयोग दे नाल बहुत उच्ची समाज उसारी गई है जो कि अपने आप विच एक विलक्षण है सो सिद्धू गोत नूं वरदान दे के जिहड़े कि जिन्हां दे नाम सलेम सिंह आगंत सिंह सुंदर सिंह बाघा सिंह इत्यादि थे उन्हां नूं बाबा जी ने आशीर्वाद दिता और इस लोक नूं त्याग के वैकुंठ लोक नूं चले गए करो रसना नूं पवित्र गज के आखो सिद्ध बाबा विष्णुगिरी जी महाराज की जय वाहिगुरु जी का खालसा